जब उन्होंने जानवरों का जायजा लिया तो कहने लगे, क्या सबब है कि हुदहुद नजर नहीं आता, क्या कहीं गायब हो गया है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा या जिबाह कर डालूंगा या मेरे सामने अपनी बेकसूरी की दलीलें सरीह पेश करे। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि हुदहुद आमौजूद हुआ और कहने लगा कि मुझे एक ऐसी चीज मालूम हुई है जिसकी आपको खबर नहीं, और मैं आपके पास शहर सबा से एक यकीनी खबर लेकर आया हूँ। मैंने एक औरत देखी कि उन लोगों पर बादशाहत करती है और हर चीज उसे मयसर है और उसका एक बड़ा तख्त है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम खुदा को छोड़कर आफ्ताब को सजदा करते हैं और शैतान ने उनके आमाल उन्हें आरास्ता कर दिखाए हैं और उनको रस्ते से रोक रखा है, बस वो रस्ते पर नहीं आते और नहीं समझते कि खुदा को जो आसमानों और जमीन में छुपी चीजों को जाहिर कर देता और तुम्हारे पोशीदा और जाहिर आमाल को जानता है, क्यों सजदा न करें? खुदा के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही अर्श अजीम का मालिक है। सुलेमान ने कहा, अच्छा हम देखेंगे तूने सच कहा है या तू झूठा है। ये मेरा खत ले जा और इसे उनकी तरफ डाल दे, फिर उनके पास से फिर आ और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। मलिका ने कहा कि दरबार वालों, मेरी तरफ एक नामे गिरामी डाला गया है। वो सुलेमान